अब हम इस वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये जानेंगे कि किसी भी एक की की से, हम बाकी के फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आप अभी तक इन आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं और यह भी जानते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू वन कोसेक एक्स होता है एंड कोसेक्स इज इक्वल टू वन एंड टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन कोट एक्स होता है इन आइडेंटिटी की हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू से रेस्ट फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक उसी प्रकार इनवर्स फंक्शन केस में भी ऐसा ही होता है मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हमें गिवन है तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड हम जानते हैं कि जो साइन होता है वह परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है तो इसे हम के अपॉन के के फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहां के कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है अब एक राइट एंगल ट्रेंगल ड्रॉ करते हैं वेयर एंगल वाई कोई एक्यूट एंगल होगा नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू के एंड हाइपोटेनियस इज इक्वल टू इन दोनों की हेल्प से हम पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके बेस बी की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि हमें मिलेगी K X अब हम जानते हैं कि जो कॉस होता है वह बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है तुम तो कॉस वाई को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहां से हमें वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अब टेन होता है तो यहां से हमें वाई की वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इसी तरह हम कॉट वाई को स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्स लिख सकते हैं जहां से हमें y की वैल्यू कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन एक्स मिल जाएगी एंड हम इस राइट एंगल ट्रायंगल से sec y को लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जिससे हमें y की वैल्यू मिलेगी sec इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब इसी तरह हम कोसेक वाई को लिख सकते हैं वन अपॉन जिससे हमें वाई की वैल्यू मिलेगी

1 1 x upon x ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है बस हमने यहां से ये सीखा है कि यदि हमें किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन हो तो हम रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आइए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहां हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन बाई थ्री गिवन है और हमें रिमेनिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू तो हम इसे लिख सकते हैं

इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम बेस आसानी से फाइंड कर सकते हैं जो कि हमें मिलेगा टू राइट एंगल में बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस तीनों ही मिल गए हैं तो हम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं सबसे पहले हम कॉस वाई देखते हैं तो कॉस वाई मिलेगा टू रूट टू के अपॉन थ्री के जिसे सॉल्व करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी कॉस इनवर्स टू रूट टू अपॉन थ्री इसी तरह हम टेन वाई को लिख सकते हैं के अपॉन टू रूट टू के एंड इसे सॉल्व करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी टेन इनवर्स वन अपॉन टू रूट टू अब यदि हम कॉट वाई की बात करें तो इस राइट एंगल ट्रेंगल से कॉट वाई को लिख सकते हैं टू रूट टू के अपॉन के एंड इसे सॉल्व करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी कॉट इनवर्स टू रू टू को हम लिख सकते हैं थ्री के अपॉन टू रू टू के एंड इसे सॉल्व करने पर हमें y की वैल्यू मिलेगी टू रू टू एंड फाइनली इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम कोसेक वाई को लिख सकते हैं थ्री के अपॉन के एंड इसे सॉल्व करने पर हमें वाई की वैल्यू मिलेगी कोसेक इनवर्स थ्री तो इस प्रकार आपने देखा कि हमें पहले एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन थी एंड हमने बाकी सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से कैलकुलेट कर ली है